नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राबड़ी आवास पर सुबह 6 बजे से ही सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, छापेमारी की जा रही है। बात अगर हम करें तो इस वक्त अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ लंदन में मौजूद हैं। वहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव लंदन पहुंचे हुए हैं और यही वजह है कि इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जतन राम मांझी की तरफ से तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला गया है। आपको बताएं कि इससे पहले भी कई बार जतन राम मांझी ने ये आरोप लगाए हैं कि जब भी कोई मौका आता है या जब बात बिहार की आती है तो उस वक्त तेजस्वी यादव बिहार से गायब रहते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार के बीच भी वो नजर नहीं आते। जब भी कोई ऐसा खास दिन आता है या कुछ होता है तो उस वक्त तेजस्वी यादव कहीं दूर बैठे हुए होते हैं और यही वजह है कि आज भी छापेमारी हो रही है सीबीआई की तरफ से, लेकिन इस बीच भी तेजस्वी यादव लंदन में कार्यक्रम में मौजूद है, जिसको लेकर जतन राम मांझी की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। ट्वीट करते हुए ये हमला बोला है जतन राम मांझी ने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि घर का भेदी लंका ढाए, मौका देख बाहर हो जाए, हैशटैग सीबीआई छापेमारी। तो ये ट्वीट करते हुए जतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। बात करें तो आज सुबह 6 बजे ही सीबीआई की टीम छापेमारी करने के लिए राबड़ी आवास पहुंची है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, यानी कि साल 2004 से साल 2009 के बीच अपने रेल मंत्री होने के कार्यकाल के दौरान गड़बड़ी की गई थी लालू प्रसाद यादव की तरफ से, जिसको लेकर ये छापेमारी की जा रही है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से भी जो हमले हैं वो शुरू हो चुके हैं। जतन राम मांझी का ये ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने मौका परस्त बताया है तेजस्वी यादव को और ये कहा है कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो वो कहीं दूर बैठे हुए होते हैं और यही वजह है कि आज भी जब सीबीआई की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है तो तेजस्वी यादव लंदन में है। बता दें कि आज लंदन में तेजस्वी यादव जो है अपना भाषण देंगे। पहली बार ऐसा होगा कि जब लंदन में तेजस्वी यादव कुछ बोलने जा रहे हैं, अपनी बातों को सामने रखेंगे, साथ ही साथ बिहार को आगे बढ़ाने के लिए भी जो बातें हैं वो उनकी तरफ से कही जाएगी। लेकिन इस बीच जतन राम मांझी का ये बड़ा हमला, जिसमें उन्होंने जमकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, साथ ही साथ लालू परिवार को भी निशाने पर लिया है और ये बताया है कि सीबीआई की छापेमारी जो आज पड़ रही है इसके पीछे लालू परिवार ने ही जो काम किए हैं, जिस तरह उन्होंने अपने शासनकाल में गड़बड़ी की उसी का नतीजा है कि आज ये छापेमारी की जा रही है। ऐसे में आगे भी इस छापेमारी से जुड़ी हुई क्या कुछ डिटेल सामने आएगी सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से या फिर लालू परिवार की तरफ से भी आगे, और क्या कुछ कहा जाता है, अलग अलग पार्टी के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।